हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच ओमेंस के बीच में जो पहला ओडीआई मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। मैच जो है आयरलैंड में होने वाला है और इससे पहले जो है एक T20 हुआ था जिसपे न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से जो है जो मैच है वो विन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्लेइंग 11 न्यूज़ एंड एनालिस पे जाएंगे ताकि हम लोगों को जो है सब कुछ पता चल जाए। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं प्रॉबली जो प्लेइंग 11 हो सकती है आयरलैंड टूर्नामेंट की। इनकी हालांकि 14 जो लड़कियों का स्क्वाड ही है, तो मैं आपको सभी का नाम बता देता हूँ। विकेट कीपर पे जो है मैरी विकेट कीपिंग करेंगी, वहीं पे बैट्समैन पे जो है लॉरेन एन जॉयस, गैबी लुइस और सिलीना जॉयस, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग किया था T20 मैचेस में। वहीं पे ऑलराउंडर पे किम और जो यहाँ पे है सावना, इसके अलावा जो एक ऑलराउंडर है उना, जो कि बहुत ही कम चांसेस है इनके खेलने के लेकिन खेल भी सकती है। बॉलर की बात करें तो यहाँ पे यमी रिचल और लारा खेल सकती है। इसके अलावा एक और जो बॉलर रह गई है जो कि स्क्वाड में है वो है किरा, इनके भी खेलने के चांसेस जो है आप 50% आप पकड़ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंस प्लेयर है मैं आपको सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस मैच के जो न्यूज़ एनालाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात कर लेते हैं न्यूज़ीलैंड के। न्यूज़ीलैंड की जो विकेट कीपर जो T20 मैच में जो है वो बिल इन्होंने किया था, जिसका नाम है बिल ना डाइनी, इन्होंने विकेट कीपर किया था। लेकिन इनकी जो प्रॉपर विकेट कीपिंग है कीपर जो है वो है मार्टिन, जो कि बहुत ही अच्छी बैट्समैन है इन तीनों में से। तो ये अगर ये खेलती है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट जो है दिला सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो सूर्या वाइट ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी और ये तो खेलेंगे ही, शायद नंबर 3 पे बैटिंग करने आ सकती है। वहीं पे यामी है। ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे सूफी डेविन प्रीवियस मैच नहीं खेली थी T20 मैच, लेकिन इस मैच पे खेलने के इनके चांसेस है। वहीं पे ऑलराउंडर पे जेस है, इब्राहिम है और रोही है, जो कि बहुत ही अच्छे तीनों ही ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा बॉलर की बात करें तो लीताहू लेट, होली और अमीला केट सारी बहुत ही अच्छे बॉलर है। हालांकि एक वीक टीम के साथ खेल रही है तो ऑफकोर्स इनके परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा ऊपर आएंगे। बात कर लेते हैं T20 मैचेस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा रन जो है वो सबसे ज़्यादा रन नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग किए थे, जो कि 63 रन मारा था सूर्या वाइट ने। वहीं पे जो है ऑलराउंडर वाटकिन ने जो है 77 रन मारा था T20 में, जो कि सबसे हाईस्ट था। वहीं पे बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पे लेथ कास्पिक ने 3 विकेट लिया था और लीताहू ने 2 विकेट लिया था। बात कर लेते हैं आयरलैंड की परफॉर्मेंस के बारे में, वहीं पे जो है लुइस ने जो है 61 रन किया था उनकी तरफ से। वहीं पे जो है केनली ने, जो कि बहुत ही अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग किया था। तो बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में, आपको जो है लगभग जो है सारी जो है अच्छी एनालिसिस पता चल चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इज़ अ मस्ट, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह का नॉलेज जो है किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है टीम न्यूज़ एंड एनालिसिस के बारे में। तो दोनों ही विकेट कीपर आपके लिए जो है अच्छे होंगे। सेफ जाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे वॉल्ड्रोन के ले रहा हूँ, आप चाहें तो ग्रैंड लीग में जो है कैटिन मार्टिन को ले सकते हैं, क्योंकि मार्टिन जो है बेटर बैट्समैन है। लेकिन सेफ के लिए आपके पास मैरी को आप ले सकते हैं। वहीं पे बैट्समैन की बात करें तो मैंने अब सूर्या वाइट एमी को लिया है और सिलीना जॉयस को लिया है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग किया था। आप चाहें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर आप नीचे आए मैरी ग्रीन को ले सकते हैं, जिनके खेलने के चांसेस जो कि थोड़ी रिस्की है, लेकिन आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। और जैसे ही आप ऑलराउंडर के पास जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सोफी डेविन देख सकती हैं, किम को ले सकते हैं आप, वहीं पे आप जो है गैबी लुइस को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एंड बेस्ट ऑलराउंडर है आयरलैंड की टीम की। वहीं पे आप मैंने यहाँ पे जेस
वॉटकिन को लिया है जो कि ओपनिंग करेंगी न्यूजीलैंड के लिए, और बहुत ही अच्छा स्कोर भी बना सकते हैं। उस पर मैंने ज़्यादातर बॉलिंग जो है न्यूजीलैंड के लिए है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लेथ को लिया है, हैम को लिया है, और यहाँ पे मैंने केर को लिया है जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती हैं, और ली तेहो को लिया है। और मैंने सिर्फ एक ही जो है आयरलैंड के बॉलर को लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हैमी को लिया है, क्योंकि जो प्रीवियस T20 मैच हुआ था वो न्यूजीलैंड ने जो है 10 विकेट से जीता था। इसका मतलब जो है आयरलैंड के बॉलर्स ने एक भी विकेट नहीं लिया था। तो फ्रेंड आप फाइनली कैप्टन एंड वाइस कैप्टन देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कैप्टन जो है सुजिया बाइट को लिया है, और वाइस कैप्टन एमी सेटन। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप कार्ले मार्टिन को जो है विकेट कीपर पर ले सकते हो, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सोफ़ी डेविन को लिया है, इन दोनों को अगर आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कर दो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्रैंड लीग के लिए टीम बन सकती है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने ही, अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।